भगवान श्री विष्णु मंदिर सेक्टर 8 करनाल में चल रहे 6 दिवसीय कार्यक्रम के चौथे दिन आज प्रातः सत्र में शंख बजते ही आचार्य माया राम नोटियाल व पंडितों ने मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। मंत्रों के उच्चारणा से आसपास का सारा वातावरण भक्तिमय हो रहा था। श्रद्धालुओं ने देवियों की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रातः सत्र में पूजा अर्चना के पश्चात मूर्तियों को फल व पुष्प वर्षा की गई। आज शाम के सत्र में मनोज व पार्टी के द्वारा सत्संग किया गया। इससे पूर्व विधिवत रूप से मंदिर सभा के वरिष्ठ सदस्य इंद्र अहलावत व कर्म सिंह ने जोत लगाई। इस अवसर पर इंद्र अहलावत ने कहा कि भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें मंदिर गुरुद्वारे अथवा किसी धर्म स्थान में सेवा करने का मौका मिलता है। इस अवसर पर सभा के प्रधान महेंद्र राठी ने सबको शुभकामनाएं दी। राठी ने कहा कि मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए हम सबको समाज को अपना सहयोग अवश्य देना चाहिए। विष्णु मंदिर सेक्टर 8 में 6 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे 8 देवियों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। 25 फरवरी को मूर्तियों की परिक्रमा करवाई गई थी। 26 तारीख से लेकर अब तक प्रातः 7 बजे मूर्तियों की पूजा अर्चना की जाती है, 12 बजे आरती की जाती है और शाम को 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक सत्संग किया जाता है। और यह कार्यक्रम कल भी जारी रहेगा। 1 मार्च को इन मूर्तियों की पूजा 6 बजे स्टार्ट होगी। हवन किया जाएगा, महास्नान होगा और उसके बाद मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा दिल्ली से पधारे हुए आचार्य मायाराम व पंडितों के द्वारा की जाएगी। 8 देवी की मूर्तियां हैं जिनमें मुख्य रूप से महालक्ष्मी, काली माता, अन्नपूर्णा, गंगा माता, ओही माता, नैना देवी माता आदि हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.